गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि इस वीकेंड के वार पर जो प्रियंका चौधरी है, जो कि हमेशा ही जानी जाती है कि भले उनका दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा सच बोलने से वो कभी भी झुकती नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। और ऐसे में प्रियंका चौधरी को पूछा जाता है कि आपकी नजरों में घर में से कौन टॉप 3 कंटेस्टेंट है जो कि गधे हैं, जिनकी कोई गेम नहीं है, जो गधा बन रही है। तभी प्रियंका चौधरी नंबर 1 पर शालीन बनोत को कहती है, नंबर 2 पर टीना दत्ता को कहती है और नंबर 3 पर सौंदर्या को कहती है। और ये बात देखकर सभी घरवाले शॉक्ड हो जाते हैं। और प्रियंका कहती है कि मैं और एडी हमेशा शालीन को कहती है कि तू हमें सबसे बड़ा गधा बन जाता है, क्योंकि तू खुद ही इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों रहता है, तू अगर खुद क्लियर नहीं होगा तो तू दूसरों को कैसे क्लियरिटी दिखाएगा। जिस बात से मैं हमेशा ही शालीन को समझाती रहती हूँ, जिस बात से शालीन भी एग्री करते हुए नजर आ रही है। और उसी के बाद टीना दत्ता को वो कहती हुई नजर आ रही है कि टीना तू घर में बहुत बड़ी गधी बनी है, तुम्हारा फायदा उठाया गया है, तुम्हारी फीलिंग्स का कहीं ना कहीं फायदा उठाया गया है। जिसको सुनकर टीना दत्ता कहती है कि हाँ प्रियंका, ये बात तो मैं तुम्हारी मानती हूँ, मेरा इस घर में कितना फायदा उठाया गया है ना, मुझे अब कहीं ना कहीं फील हो रहा है। और प्रियंका चौधरी की बातों से टीना दत्ता एंड शालीन बनोत कहीं ना कहीं एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और नंबर 3 पर सौंदर्या, जिन पर प्रियंका चौधरी आरोप लगाती है कि इस लड़की को मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानती हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जी हर बार अर्चना के पीछे पीछे रहती है, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गधी बनती हुई नजर आ रही है। और वो उनको ये बात भी कह रही है कि मैं पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि जो प्रियंका चौधरी ने कहा जी सही कहा या गलत, तो प्लीज आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए। और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।